हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं एक और पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन है। देखिए बहुत ही आसान है बनाना, फटाफट से बन जाता है। और इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के, किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा ये डिज़ाइन बनता है इस तरह से। देखिए तो इस पैटर्न को सिर्फ हम 4 रोज़ में बनाएंगे। 4 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे इसे, और 4th रो हमारी जो है वो रॉन्ग साइड पे होगी। और इसको बनाने के लिए देखिए, फंदे हमने किस हिसाब से लेने हैं। फंदे जो हैं हमने 7 के मल्टीपल में लेने हैं। 7 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 2 फंदे और लेने हैं। तो 7 + 7 + 7 ऐसे करके फंदे लेंगे, और लास्ट में 2 फंदे और लेंगे। तो ये जो बीच में ये जो डिज़ाइन है, यहाँ जो 3 बार बनाया हुआ है मैंने, ये जो है 5 फंदों का डिज़ाइन है, और बीच में 2 फंदे जो हैं उल्टे रखे हुए हैं। और रॉन्ग साइड पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 5 फंदे जिन पर डिज़ाइन डाला है उनको मैंने उल्टा बुना हुआ है, और बीच के 2 फंदे जो हैं मैंने सीधे बुने हुए हैं। इसमें देखिए रॉन्ग साइड पर आप जो है ये पूरी की पूरी रोज जो हैं उल्टे उल्टे बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये उभरा हुआ डिज़ाइन चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ वैसे आप बनाइए। तो ये जो 4 रोज़ हैं, जैसे मैंने नीचे यहाँ से स्टार्ट की हुई वैसे मैं यहाँ पे आपको बना के बताऊँगी। तो फ्रंट साइड पे हम देखिए रो 1 किस तरह से बनाएंगे। सिर्फ 4 रोज़ में डिज़ाइन बनेगा। रो 1 फ्रंट साइड पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, और दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से हमारे 2 साइड के 2 फंदे उल्टे बनेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए इस तरह से 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, और लास्ट में भी हमने 2 फंदे उल्टे रखने हैं। तो ये रो 1 हम इस तरह से बना लेंगे, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे इस तरह से। और रॉन्ग साइड ये वाली भी हमारी सिंपल रहेगी। रो 2 हम रॉन्ग साइड पर देखिए इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा जो हमें सीधा नज़र आएगा वो हमने सीधा बनाना है, और इन्हें हम सीधा ही बनाते जाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो उसके बाद 5 फंदे उल्टे, तो रो 2 का पैटर्न हमारा रहेगा 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से हमने रो 2 भी कंप्लीट कर लेनी है। तो 2 रोज़ जो हैं वो हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है। और आगे की 2 रोज़ में, 3rd और 4th रो में हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने 2 फंदे लास्ट में सीधे बुन लिए। इस तरह से हमने 2 रोज़ जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हम आते हैं 3rd रो पे। 3rd रो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद उल्टा फंदा, ये हमेशा उल्टा ही बनेगा फ्रंट साइड पे। उसके बाद धागा कर लेंगे हम इस तरह से पीछे। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने 5 फंदे जो सीधे रखे हैं उसमें से पहला फंदा हमने सीधा बुन लेना है इस तरह से। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं बीच के सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने इस तरह से तीनों में सिलाई इस तरह से डालते हुए फ्रंट लूप से इन तीनों को हमने इस तरह से बुनना है। 3 के 3 ही बुनेंगे। एक बार बुना, फिर दूसरा हम इस तरह से धागे को आगे करके यहाँ पे जाली डाल लेंगे, इस तरह से दूसरा फंदा बन जाएगा। और फिर से एक बार फिर से इसे इन तीनों फंदों को जो है हम फ्रंट लूप से सीधा सीधा इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पे जो ये जो हमने फंदे बुने हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बुनना है, ये ठीक ठीक रखना है, हल्का सा लूज रखना है। इसके बाद देखिए एक फंदा हमें सीधा नज़र आ रहा है, 5वां फंदा, उसे सीधा बुन लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे जो हमेशा उल्टे ही बनेंगे फ्रंट साइड पे,
और यहाँ पे अब हमने पांच फंदों पे फिर से डिज़ाइन रिपीट करना है। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, बीच के तीन जो है उन्हें हमने इस तरह से करना है, इकट्ठा सीधा बुनेंगे फ्रंट लूप से, फिर जाली डालेंगे, फिर एक और बार जो है इसे इस तरह से सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा हाथ ढीला रखेंगे। पांचवा फंदा सीधा बुनेंगे, तो एक और बार रिपीट कर लेंगे, यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुन के बीच के एक फंदा सीधा बुनेंगे और तीन फंदों के हमने वापस तीन फंदे इस तरह से बनाने हैं, एक दो और ये तीन, ये ऐसे। उसके बाद एक फंदा सीधा और लास्ट के दो फंदे हम बनाएंगे उल्टे। तो ये रो थ्री पर जो है हम इस तरह से करेंगे। देखिए अब आते हैं रो फोर रॉन्ग साइड पे, यहाँ पे हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, आगे वाला फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए धागा अपनी ओर कर लेंगे पहले। अब देखिए क्या करना है, ये फंदे हैं एक दो तीन चार पाँच जो उल्टे बनने हैं, उल्टे ही बनाने हैं हमने, लेकिन किस तरह से देखिए, पहले हम दूसरा फंदा जो है फ्रंट साइड की ओर से हम उठा के सामने लाएंगे ऐसे, फिर इसे पहले नंबर पर बुनेंगे, फिर हम पहला वाला फंदा दूसरे नंबर पर बुनेंगे ऐसे, ये बीच का फंदा बीच में ही बुनेंगे हम सबके, और फिर ये पांचवा फंदा ये इस तरह से हम पीछे की ओर से पहले बुन लेंगे यहाँ पे, और ये चौथा फंदा फिर पांचवें नंबर पर बुनेंगे, ये इस तरह से करेंगे हम। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे, दूसरा फंदा हम पहले बुनेंगे जिसे हम सामने की ओर से फ्रंट साइड से लेके आएंगे सामने, फिर ये वाला फंदा बुनेंगे, फिर बीच वाला फंदा बुनेंगे, फिर लास्ट वाला पांचवा फंदा बुनेंगे और फिर इस तरह से चौथा फंदा बुन लेंगे। तो एक और बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो दूसरा फंदा है ये हम ऐसे लाएंगे फ्रंट साइड की ओर से इस तरह से, इसे हम बुनेंगे पहले, फिर पहले वाले को दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे वाले को तीसरे नंबर पे, फिर ये पांचवे वाले को इस तरह से चौथे नंबर पे, और फिर ये चौथा फंदा पांचवे नंबर पे, तो इस तरह से। उसके बाद दो फंदे हमारे लास्ट में सीधे आएंगे, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये जो है हमने रो फोर भी कंप्लीट कर ली है बना के, और इसके बाद हमने यही चार रोज जो हैं बार बार रिपीट करते जाना है, और ये देखिए कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन बनता है, इसे बनाते जाना है। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है, फटाफट से बनने वाला है, बहुत आसान है, बहुत सुंदर है, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इसे डाल सकते हैं। तो बनाइए और फिर बताइए किस कैसा लगा है आपको ये पैटर्न, और कैसा बनता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।